ये खबर आ रही है यूक्रेन के मरियुपोल से, जहां पर रूस समर्थकों ने हमला किया है। जानकारी के मुताबिक रूस समर्थक सेनाओं ने यूक्रेन के मरियुपोल में कई रॉकेट दागे हैं। मरियुपोल, जहां पर अजोव बटालियन का मुख्यालय बताया जाता है, यहां पर लड़ाई भीषण चल रही है। यूक्रेन भी जमकर के पलटवार कर रहा है और इस बीच कई रॉकेट दागे गए हैं रूस समर्थित सेनाओं की तरफ से। तस्वीरों में देखा जा सकता है मरियुपोल पर रॉकेट दागने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मरियुपोल जो कि जबरदस्त बैटलफील्ड बना हुआ है, मरियुपोल में रूस ने हमला तेज कर दिया है। ड्रोन में कैद हुई है तबाही की तस्वीरें। मरियुपोल में जबरदस्त घमासान चल रहा है और पिछले कई दिनों से वहां पर यूक्रेन और रूस के बीच जबरदस्त जंग जारी है। रूस का हमला तेज हो गया है, ये तस्वीरें आई हैं ड्रोन कैमरे में, जिसमें साफ नजर आ रहा है किस तरह से आसमान से अटैक किया जा रहा है। युद्ध की विभीषिका तस्वीरों के जरिए देखी जा सकती है, किस तरह से आसमान से बम बरसाए जा रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं और उसके बाद जमीन पर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। ड्रोन कैमरे से मरियुपोल की तबाही की तस्वीरें, एक आबाद शहर अब खंडहर जैसा नजर आ रहा है। इमारतें धुएं का गुबार उगल रही हैं और जगह जगह कमोबेश एक जैसे ही तस्वीरें। ऐसा लग रहा है जैसे यहां पर मौत का तांडव हुआ हो। सड़कों पर गाड़ियां जल रही हैं, इमारतें ध्वस्त हो गई हैं, रह रह करके धमाके हो रहे हैं। रोशनी की जो किरण नजर आती है वो दरअसल धमाके की है और इसके बाद गहरा काला धुआं दिखता है। जी न्यूज पर मरियुपोल की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ड्रोन कैमरे की मदद से, किस तरह से भीषण यहां पर घमासान चल रहा है और इस घमासान का क्या अंजाम है, ये आप तस्वीरों को देख करके समझ सकते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच 19 दिनों से भीषण जंग जारी है और मरियुपोल में जबरदस्त बैटल चल रहा है। दरअसल यहां यूक्रेन की सेना भी काफी मजबूत है। जिस अजोव बटालियन की बात की जाती है, रूस के राष्ट्रपति पुतिन जिस अजोव बटालियन को नियोनाजी बताते हैं, उसका मुख्यालय भी मरियुपोल में बताया जाता है। लिहाजा यूक्रेन की सेना भी यहां जम करके मुकाबला कर रही है। लिहाजा रूस में की ओर से रॉकेट भी दागे जा रहे हैं। जमीन पर आप सैनिकों को देख रहे हैं किस तरह से रॉकेट के जरिए निशाना साध रहे हैं और ड्रोन कैमरे से आप देख सकते हैं किस तरह से मरियुपोल में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। इस बीच लगातार दोनों ही पक्षों से दावे किए जा रहे हैं दूसरे पक्ष को ज्यादा नुकसान पहुंचाने के। यूक्रेन की सेना को नुकसान पहुंचाने का दावा, रूस की तरफ से 3,920 सैन्य बेस तबाह, 2 ड्रोन बर्बाद किए गए हैं। इसके अलावा 187 सैन्य उपकरण भी रूस की सेना ने तबाह कर दिए हैं, यह दावा किया जा रहा है। 1 मानव रहित विमान भी नष्ट किया गया है। यूक्रेन भी अपने दावे कर रहा है। इस बीच रूस के मुताबिक यूक्रेन के 101,267 टैंक बर्बाद किए जा चुके हैं हमले में। होने के बाद किसी को उम्मीद नहीं थी कि यूक्रेन इतने लंबे समय तक रूस का सामना कर पाएगा, लेकिन नेटो देशों से मिले हथियारों, अमेरिका से मिली सैन्य मदद और लोगों के प्रतिरोध की वजह से लड़ाई लगातार जारी है। हालांकि कीव के पास घेराबंदी रूस ने काफी तेज कर दी है, लेकिन अलग अलग शहरों में लड़ाई का मोर्चा खुला हुआ है और मरियुपोल में भीषण घमासान जारी है। यहां पर दोनों ही पक्षों की ओर से जबरदस्त अटैक किया जा रहा है। हम आपको यूक्रेन और रूस दोनों के दावे दिखा रहे हैं। यूक्रेन का दावा कि उसने रूस के 12,000 सैनिक मार गिराए, 77 लड़ाकू विमान तबाह किए हैं। रूस भी दावा करता है 2 ड्रोन मार गिराए हैं। रूस के मुताबिक 187 सैन्य उपकरण बर्बाद किए हैं, जबकि यूक्रेन का कहना है कि उसने रूस के 90 हेलीकॉप्टर गिराए हैं। 389 टैंक बर्बाद करने का यूक्रेन का दावा, जबकि रूस के मुताबिक उसने 1 मानव रहित विमान को गिराया है।
150 तोपों को तबाह करने का दावा यूक्रेन ने किया है, जबकि रूस के मुताबिक उसने 1267 टैंक बर्बाद किए हैं। यूक्रेन ने 617 आर्मी कार नष्ट करने का दावा किया है, जबकि रूस ने 3920 सैन्य बेस तबाह करने का दावा किया है। हमारे दो सहयोगी वॉर जोन से हमारे साथ बने हुए हैं। कुलदीप हमारे साथ कीव से हैं, साथ ही हमारे सहयोगी शिवांगी ठाकुर जो कि पोलैंड के वॉर्सो से हैं। कुलदीप, कीव की क्या स्थिति है? जिस तरह से धमाके लगातार हो रहे हैं और जैसा कि आपने बताया कि यहां पर अब रूसी सेना का कुछ खास अटैक का प्लान दिखता है। बिल्कुल ऐसा दिखता है, क्योंकि आज सुबह से यहाँ पे कुछ ज्यादा धमाकों की आवाज आ रही है। अब लेकिन अभी एक घंटे से मैं देख रहा हूँ, आधे एक घंटे से थोड़ा कम हुआ है उसको, लेकिन अभी शायद फिर शुरू हो जाएगी। जैसे आपको अंतोनव जहाँ पे जो फैक्ट्री है उस पर इन्होंने बम गिराया है, उस पर लड़ाई चल रही है, वहां पर आग लग गई है उसमें। इधर अबालोन में एक घर में आग लगी है, जो 9th फ्लोर की बिल्डिंग में आग लगी है, और कई जगह पे वसिल कीव करके जगह है वहां पे लड़ाई चल रही है। बरवरी की लड़ाई बहुत तेज हो गई है जी। तो लड़ाइयां अब थोड़ी सी तेज हो गई है, थोड़ा तेज हो गई है जी। हमारे साथ शिवांगी भी बनी हुई है। शिवांगी, बातचीत जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, काफी उम्मीदें लगाए हुए थे। यूक्रेन ने एक नई शर्त रख दी है कि पहले सीज फायर का ऐलान करे, अपनी सेनाएं हटाए रूस, तभी बातचीत हो पाएगी। तो क्या माना जाए कि यूक्रेन बातचीत करना नहीं चाह रहा, क्योंकि ये तो ऐसी शर्त है जो रूस कतई नहीं मानेगा? देखिए, यूक्रेन लगातार ये कोशिश कर रहा है कि शांति से बातचीत हो, सीज फायर हो, उनके देश की जो जनता है, साथ ही जो सैनिक है, किसी को भी नुकसान ना पहुंचाया जाए और तब बातचीत हो। लेकिन रूस इस बात के लिए तैयार नहीं है। अगर इस बात के लिए तैयार होता तो अब तक जो प्रतिनिधिमंडल 2-3 बार मिल चुके हैं या फिर दोनों ही देशों के जो विदेश मंत्री मिले हैं, ये बात जो है सीज फायर की तब हो सकती थी। आपको बता दें चंदन की अभी अभी यूक्रेन ने अपनी ओर से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है और एक आंकड़ा दिया है कि कितना नुकसान उन्होंने रूस को पहुंचाया है। लगभग 12,000 सैनिक, रूसी सैनिकों को उन्होंने मार गिराया है। इसके अलावा 77 एयरक्राफ्ट, 90 हेलीकॉप्टर। बिल्कुल शिवांगी, वो आंकड़े हम ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को लगातार दिखा भी रहे हैं। दूसरों को कितना नुकसान पहुंचाया है ये बताया जा रहा है, लेकिन अपने नुकसान की बात नहीं की जा रही है, और यही बड़ा सवाल है। और 19वां दिन है, घमासान लगातार जारी है, और जो तस्वीरें यूक्रेन के अलग अलग शहरों से आ रही हैं वो काफी विचलित करने वाली हैं, और तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। जिन लोगों ने शायद द्वितीय विश्व युद्ध के वीडियोस देखे होंगे, डॉक्यूमेंट्रीज देखी होगी, उसमें ऐसे ही मंजर नजर आते थे, और अब यूक्रेन के अलग अलग शहरों का हाल कमोबेश वैसा ही नजर आ रहा है। कुलदीप, अगर बात की जाए इस लड़ाई की, तो निश्चित तौर पर ये लड़ाई घमासान बढ़ता चला जा रहा है। 19वां दिन है, किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि 19 दिन तक टिक पाएगा यूक्रेन, लेकिन यूक्रेन टिका है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि यूक्रेन के दोनेत्स्क से बड़ी खबर यह है कि यहां मिसाइल से हमला हुआ है। हमले में 20 लोगों की मौत हुई है, जबकि 9 लोग घायल हुए हैं। दोनेत्स्क के स्थानीय प्रशासन ने दावा किया कि ये मिसाइल यूक्रेन की सेना ने दागी है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक मिसाइल को गवर्नमेंट हाउस के पास शहर के ऊपर गिराया गया है। तो दोनेत्स्क का इलाका जो कि रूस के कंट्रोल में है, यहां पर रूसी भाषा बोलने वाले नागरिक रहते हैं ज्यादा, और ये इलाका यूक्रेन से अलग, इसे रूस ने मान्यता दे दी है। यूक्रेन की सेना यहां पर अटैक कर रही है और एक मिसाइल से अटैक किया है, जिसमें 20 लोगों के मरने की बात आ रही है। और एक और बड़ी खबर, युद्ध के 19वें दिन रूस ने बड़ा दावा किया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन के 3920 सैन्य बेस बर्बाद किए गए हैं। 4 ड्रोन कल मार गिराए गए थे, 1267 टैंक लड़ाकू वाहन नष्ट किए हैं। तो आरोप एक दूसरे के खिलाफ दावे किए जा रहे हैं कि रूस ने यूक्रेन के कितने विमान मार गिराए, कितने टैंक बर्बाद किए, यूक्रेन ने रूस के कितने सैन्य उपकरण बर्बाद कर दिए। दोनों एक पक्ष एक दूसरे की तबाही को, नुकसान को बढ़ा चढ़ा करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच खबरें ये भी आ रही हैं कि दोनों ही पक्षों को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन यूक्रेन के कई शहर बुरी तरह से बर्बाद हुए हैं। कीव, मारियुपोल या फिर मिकोलेव, अलग अलग शहर जहां पर बर्बादी का मंजर देखने को मिल रहा है। वॉर कवरेज लगातार जारी है हमारी। हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से कीव पर कब्जे की जंग अब तेज होती जा रही है, इंटेंसिफाइड होती जा रही है। और एक और बड़ी खबर आ रही है कि यूक्रेन ने बड़ी शर्त रखी है कि पहले रूस सीज फायर का ऐलान करे, उसके बाद ही बातचीत संभव है। यूक्रेन से रूस अपनी सेना हटाए, यूक्रेन का यह दावा है। बातचीत का चौथा चरण
आज बातचीत होनी थी दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच, लेकिन अब यूक्रेन ने बड़ी शर्त रख दी है कि सीज फायर के बाद ही बातचीत संभव है। 19वें दिन अब एक ये बड़ा गतिरोध देखने को मिल रहा है। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुलदीप, अगर बात की जाए यूक्रेन की, तो क्या यूक्रेन को यह लग रहा है कि बातचीत के जरिए कहीं ना कहीं रूस टाइम बाय कर रहा है और इस दौरान शहरों पर लगातार हमले जारी हैं, ऐसे में उसे एज मिल रहा है और तभी उसने सीज फायर की शर्त रखी है? ये बात बिल्कुल ठीक है। तुम्हें किसने किसको मारा, किसके कितने जहाज गिरे, इन से कोई लेना नहीं है, क्योंकि तुम्हें चाहिए कि युद्ध पे विराम लगे। अगर ये युद्ध पे विराम नहीं लगा तो ये एक दो दिन या महीना नहीं, ये कई महीने युद्ध चलेगा। दोनों तरफ के लोग, बच्चे अपने खिलौने घर में छोड़ के जा रहे हैं, जब जगह को शिफ्ट यहां से छोड़ के जाते हैं। कुलदीप, आपका नेटवर्क में कोई इश्यू आ गया है। शिवांगी हमारे साथ बने हुए हैं। शिवांगी, जैसा कि बता रहे थे, कुलदीप की एक बड़ी समस्या शरणार्थियों की खड़ी हो रही है, क्योंकि 27 लाख से ज्यादा लोग तो यूनाइटेड नेशन का आकलन है, लेकिन ये तादाद कहीं ज्यादा हो सकती है। ऐसे में इस जंग को रोकने की जरूरत है, लेकिन कोई भी पक्ष इसको लेकर गंभीर नजर नहीं आता। युद्धरत दोनों देशों की बात करें, रूस और यूक्रेन, वो एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, लेकिन विश्व समुदाय भी यहां कहीं ना कहीं लड़ाई को रोकने के बजाय आग में घी डालने का काम करता हुआ दिख रहा है। देखिए, मैं आपको वो बताऊंगी जो आम जनता चाहती है। जितने भी यूक्रेनी लगातार पहुंच रहे हैं रिफ्यूजी कैंप, जब हम उनसे बात करते हैं, साफ तौर पर कहते हैं कि हमें जंग नहीं चाहिए। इस बात को बातचीत के जरिए, इस जंग को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश की जानी चाहिए, और इतने दिन बीत गए हैं, अब भी यहां कोई भी इस युद्ध पर विराम लगता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो बातचीत नहीं होगी। देखिए, नुकसान दोनों ही देशों को हो रहा है, आप दोनों ही देशों को देख लीजिए, मदद लेने की जरूरत पड़ रही है, और अब स्थिति यह है कि बातचीत को तैयार है, लेकिन हर बार ज़ेलेंस्की कुछ शर्तें रखते हैं, पुतिन कुछ शर्तें रखते हैं, दोनों एक दूसरे की शर्तों को नहीं मानते, और इसी कारण अब देखिए ये खींचते जा रहा है पूरा का पूरा जंग। तस्वीरें मार्मिक है, बच्चे आप देखेंगे जो वहां से लौट कर आ रहे हैं, इन छोटे बच्चों को नहीं पता कि आखिर वो यहाँ क्या कर रहे हैं, वो रिफ्यूजी कैंप में क्यों है। बच्चे कहते हैं कि हमारा घर, हमारे दोस्त, हमारे खिलौने, हम सब कुछ वहां छोड़कर यहां क्यों पहुंचे, ऐसी परिस्थिति क्यों बनी है। तो बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी ये अब होने जा रही है शिवांगी, और तस्वीरें निश्चित तौर पर विचलित करने वाली हैं जो शरणार्थी कैंप से आ रही हैं। बहुत शुक्रिया शिवांगी आपका और कुलदीप आपका हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर, कीव के ओब्लोन में रूस के हमले से शहर तबाह हो गया है। रूस के हमले से रिहायशी इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है। वॉर जोन पर जी न्यूज के संवाददाता लगातार पहुंचे हुए हैं, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दे रहे हैं। कीव के ओब्लोन में रूस के हमले, कीव के चारों तरफ रूस की घेराबंदी बढ़ती हुई, हमले लगातार तेज हो गए हैं, और जी न्यूज यूक्रेन के वॉर जोन से लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहा है हमारे संवाददाता अनस मलिक। यूक्रेन की राजधानी कीव में है इस वक्त, क्या हालात हैं, ताजा हालात पर देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। मेरे एकब में जो आप डैमेज देख रहे हैं, जो नुकसान देख रहे हैं, ये ओब्लोन का इलाका है जहां पर आज सुबह रशिया की जानिब से हमला किया गया। ये शेलिंग की प्रिज्यूम किया जा रहा है। ये एक रेजिडेंशियल कंपाउंड है, 9 मंजिला ये रेजिडेंशियल कंपाउंड है, जहाँ पे 200 से 250 के दरमियान की तादाद जो है वो सिविलियंस की बताई जा रही है। और यहाँ पर जब हम पहुँचे, मेरा कब में आप देख सकते हैं कि जो स्टील की रॉडें हैं, सरिये की जो रॉडें हैं, जो घर के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं। ये आप मेरे कैमरा पर्सन वादी में अगर मुझे फॉलो कर सकें, मैं आपको दिखा भी सकूं कि ये आप देख सकते हैं कि सारा का सारा डिब्री और ये जो तबाही का जो मंज़र आपको नज़र आ रहा है, ये आज सुबह हुआ है, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे रशिया की जानिब से शेलिंग की गई इस कंपाउंड पर, और लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। ये घरों की आप विंडोज देख सकते हैं, घर खिड़कियाँ देख सकते हैं जो डैमेज हैं, ये अपने में कहानी बता रही हैं। लोगों का ये कहना है कि ये एक रेजिडेंशियल कंपाउंड था और वो टोटली शॉक्ड थे आज सुबह जब यहाँ पर शेलिंग हुई, उसके बाद यहाँ पे आग भी लगी। दो लोग जो है इस वाकये में अपनी जान से हाथ गंवा बैठे हैं, वो हलाक हो गए हैं, जबकि तीन लोग जो हैं इस वाकये के अंदर जख्मी हुए हैं। जी मीडिया के लिए अनस मलिक, ओब्लोन, यूक्रेन से। प्रेजेंटिंग जी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।